हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपने फ़ोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्ले स्टोर में काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो कि स्टोरेज क्लाउड्स ऐप के नाम से होते हैं, ठीक है ना, उनका आप भी यूज कर सकते हैं। और देखिए तीसरा तरीका ये होता है आप अपने मोबाइल फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के फोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग बंद रखनी है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर है, इसे टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहां पे चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे यहां पे ऑफ का बटन दिखाई देगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग इसी तरीके से बंद रखनी है, ठीक है। एक काम ये भी करना है, आपके फोन की जो गैलरी है ना, फोन की गैलरी में आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट करनी है, ठीक है। एक काम ये भी करना है, आपके फोन में जितने भी फालतू के ऐप हैं, फालतू के ऐप भी अनइंस्टॉल कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है, यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर आप टैप करेंगे तो इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है।